पौधे आया लेखन में तब देखेंगे और उनको गाइड करेंगे। आपके क्षेत्र में भीषण बाढ़ के कारण मची तबाही और रात कार्यों की पर्याप्तता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तुरंत कदम उठाने का अनुरोध कीजिए। इसके बाई ओर लिखेंगे सेवा में मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली सरकार विषय बाढ़ और राहत कार्य महोदय आप इस तथ्य से ही बात परिचित हैं कि यमुना के आसपास वाले इलाकों में इस बार बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जो लोग यमुना के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वे पूरी तरह बेघर बार हो गए हैं। उनके पास से ढकने तथा पेट भरने का कोई साधन नहीं रह गया है। उन बेचारों का अधिकांश सामान भी बह गया है या खराब हो गया है। बाढ़ का पानी जहाँ की पूरी मॉडल टाउन आदर्श नगर के निचले इलाकों में भी भर गया है। इस कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे महोदय मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राहत कार्यों के नाम पर केवल घोषणाएँ और चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं परंतु प्रभावित लोगों तक कोई राहत नहीं पहुंच रही है। समृद्ध इलाकों में तो जैसे तैसे काम चल रहा है किंतु बेघर बार लोगों के लिए राहत शिविर तक नहीं लगाए गए हैं। उनके बच्चे उनसे मरने के इंतजार पर हैं। आपसे निवेदन है कि सर्वप्रथम इन बेघर बारों के लिए राहत शिविर लगाए जाएँ, इनके लिए रोटी चिकित्सा का प्रबंध किया जाए, फिर अन्य इलाकों में खड़े पानी की शीघ्र निकासी की जाए। जिन क्षेत्रों की बिजली ठप हो गई है वहाँ बिजली उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद अवधीय सहायक पता। अगला देखेंगे पत्र अनियमित डाक उत्तरण के संबंध में पोस्ट मास्टर को एक शिकायती पत्र लिखिए। हाँ आपकी तरफ लिखेंगे परीक्षा भवन शिवाजी कॉलोनी 5 अप्रैल सेवा में पोस्ट मास्टर महोदय हेड पोस्ट ऑफिस अहमदाबाद विषय डाक वितरण में अभिनेता महोदय मुझे बड़ा खेद है कि मुझे अपने मोहल्ले में डाक वितरण की अभिनेता के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गत 2 माह से हमारे मोहल्ले में डाक वितरण की व्यवस्था नियमित नहीं है। यह तब से है जब से हम गोपाल नाम का डाकिया मोहल्ले से डाक वितरण के लिए नियुक्त किया गया है। मेरी एक रिश्तेदारी जिस पर मुख्य डाकखाने की 2 अप्रैल की मोहर लगी है मुझे आज 5 अप्रैल को प्राप्त हुई। बस रजिस्टर्ड लिफाफे पर लिखा है कि 2, 3 और 4 अप्रैल को मेरा दरवाजा बंद मिला जिसमें जरा भी सख्त नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन दिनों में डाक वितरण के पूरे समय में घर पर ही था। आपसे प्रार्थना है कि इस पत्र के डाकिए के विरुद्ध अवश्य कार्रवाई करें तथा डाक वितरण की अनियमितता दूर करने का तुरंत प्रबंध करें। धन्यवाद अवधि महेंद्र। होमवर्क में बाढ़ और राहत कार्य एवं डाक वितरण में अनियमितता को पत्र लेकर गाइड कीजिए।